याना मीर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। याना, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल से वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपके जहन, आपके दिलो दिमाग में जा रही हैं, सामने रखें। एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना, एक के बाद एक उस हिंदुस्तानी को जो वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो मुसलमान हो के हिंदू हो, उसे उसकी हत्या कर देना। ये दोबारा हम 1990 के दशक में पहुँचते हुए दिख रहे हैं, या ये बौखलाहट है मौत से पहले की आतंकवाद के? देखिए, प्रॉमिसेस तो कई सारे किए गए थे, जिससे आपने बोला इंटरनेट में प्रॉब्लम है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतने पिछड़े हुए। हम तो कब का हमें प्रॉमिस किया गया था ना डेवलपमेंट, ये वो, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, मैं बैठी हूँ कितने बार मेरा इंटरनेट कट हो जाता है, आप खुद ही देखिए। चलिए छोड़िए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि कश्मीरी पंडितों से प्रॉमिस किया गया था कि उनको वापस लाया जाएगा। जब वो बेचारे हौसला रख के वापस आते हैं, तब भी उनको 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 आप देखिए, सुकून चैन कुछ नहीं, उनका उनको अभी भी गोलियां मारी जा रही है। और जैसे कि एज इफ उतना काफी नहीं है, उन पे लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, उन पे टियर गैस भी छोड़ी जा रही है। क्या ये किस तरह की ह्यूमैनिटी है, और किसने ऑर्डर किया है? वो जब एक पत्थर नहीं उठाया उन लोगों ने, अपने भाई के लिए प्रोटेस्ट करने निकले थे, लेकिन यहाँ पे देखो तकलीफ कितनी, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दे दिया गया कि उनको वहां से हटाने के लिए टियर गैस छोड़ो, लाठी चार्ज करो। जिन लोगों ने सीने पे गोली खाई है उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हो रहा है। जो लोग 30 साल से जिनका मैसेकर हो रहा है, जिनका एक्सोडस हो चुका था 30 साल पहले, अब उन पे लाठी चार्ज भी हो रहा है। मैं क्या बोलूं, मतलब आई एम शॉक। आज मुझे समझ आता है मेरे पेरेंट्स क्यों निकले थे यहाँ से, आज मुझे समझ आती है इस चीज के बारे में। और दूसरा, आरपी सिंह जी यहाँ बैठ के आई एम शॉक कि ये मुस्लिम जिहाद, व्हाट इज ऑल दिस? यहाँ पे आपने देखा कितने कश्मीरी मुस्लिम भी आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कितने सारे फॉर राहुल भट्ट। इनफैक्ट वो खुद भूल गए कि उनका अपना एक कश्मीरी मुस्लिम भाई भी मारा गया कुछ ही घंटों बाद। रियाज ठोकर जो एसपीओ था पुलवामा का, उसको टेररिस्ट ने घर के बाहर बुलाया, उसको पता था कि उसकी मौत होने वाली है, लेकिन उसको लगा अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरी फैमिली को मार देंगे। वो बेचारा बाहर आया, उससे गोलियों से छल्ली कर दिया। आप लोग इंडियन मीडिया ये सब क्यों नहीं दिखाते? आप लोग सिलेक्टिवली बस एक ही अगर साइड दिखाओगे, फिर वहां हमारा भाई एक जम्मू में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट को मारा गया। ये लोग बिजी है हिंदू मुस्लिम करते हुए। आई एम सॉरी टू से, इनकी नीति यहाँ फेल हो चुकी है। कौन सा सिक्योरिटी दिया इन्होंने यहाँ पे, या चाहे किसी नेशनलिस्ट मुस्लिम को या चाहे किसी हिंदू को, इन्होंने कहां सिक्योरिटी दी? अच्छा चलिए, सिक्योरिटी मैं मानती हूँ, गवर्नमेंट हर एक को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, आई अंडरस्टैंड, आपकी लिमिटेशंस हैं। मगर जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ की जो कुछ आवाम है वो डेमोग्राफिक चेंज से डरती है, ठीक है, इसीलिए टेररिस्ट को रेफ्यूज देती है, टेररिस्ट को हेल्प करती है कुछ सेक्शन ऑफ द आवाम। अब इनके दिल से डेमोग्राफिक चेंज का डर निकालने के लिए क्या किया आपने? एक उनको पहले से डर है कि 370 हटने का, इनको पहले से शौक है। हर किसी ने एब्रोगेशन को सपोर्ट नहीं किया मेरी तरह, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनको उनके मन में अभी भी शौक है। उनके अंदर से शौक निकालने के लिए, उनके अंदर से डेमोग्राफिक चेंज निकालने के लिए आपने क्या किया? क्या किया आपको तो अगर आप सबका साथ बोल लेकिन उससे पहले तो दोनों तरफ से आप याना गुप्ता, माफ कीजिएगा, दोनों तरफ से लोग खुद ही यूनिटी में रहे। मैं बस एक बात कह देना चाहती हूँ याना मीर, सुनिए ना, और आप कई दफा एबीपी न्यूज के हुंकार कार्यक्रम में मेरे साथ बैठी हैं, तो मैं बस आपसे एक बात कह देती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने एक ही सेक्शन दिखाया और दूसरा नहीं दिखाया है। यकीन मानिए, सच्चाई ये है कि हमने एबीपी न्यूज में, और जब आप हमारे साथ जुड़ी नहीं थी तब भी हमने ये बताया, हमने तब भी ये बताया कि आज एक कश्मीरी मुसलमान भी मारा गया है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, और एक कश्मीरी पंडित भी मारा गया है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था। दोनों बातें, दोनों तस्वीरें होता कि रियाज ठोकर भी अरे हमने दिखाया है, मैं कह रही हूँ आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन आरपी सिंह साहब पॉइंट है याना की बातों में, पॉइंट है सुशील पंडित की बातों में, और आज सापरा साहब के सवालों में भी दम है, जवाब दीजिए, बचिए मत इस बात से। मुझे रूपिका, मैं माफी चाहता हूँ, याना का भी इंटरनेट का इशू, मेरे यहाँ भी इंटरनेट का इशू है, तो आपने बहुत थोड़ा मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, परंतु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले का घटना चक्र याद करिए, हर शुक्रवार के शुक्रवार वहां पर क्या पत्थरबाजी होती थी, और वहां पर किस प्रकार निजाम मुस्तफा के झंडे लेकर और आईएसआई के झंडे लेकर वहां पर निकलते थे, काला झंडा लेकर, किस प्रकार वहां पर कैलेंडर बनता था। अरे रुकिए एक मिनट, ठंड रखिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में, और कैलेंडर निकलते थे कि इस हफ्ते ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये बंद होगा, ये सब कैलेंडर निकलते थे, सूचियां निकलती थी किस किस को मारने की। आज वहां से स्थिति कहां आई है,
मैं गिनती नहीं गिनाना चाहता था, परंतु जितनी हत्याएं आज से 3 साल 4 साल पहले होती थी या 5 साल पहले होती थी, आज उसके मुकाबले में कमती कम हुई है। और साथ साथ आतंकवादियों की पकड़ भी हो रही है, उनको उनको भी मारा जा रहा है, ये छूट नहीं हो रही। मैं और इसको लेकर मैं कोई इसमें फीती नहीं लगा रहा सरकार के उस पर कंधों पर, परंतु ये लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है जो ये लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये लड़ाई देश की लड़ रहे हैं, वो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु हाँ, ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अच्छे ढंग से लड़ी जाएगी। और मैं ये मानता हूँ, एक बात एक सुनिए, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि और कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ, और एक मिनट सुनिए, रूपिका एक सेकंड दे दीजिए। स्ट्रॉन्ग कदम उठाने वाले लोग हैं, जब जब बढ़िया कदम उठाया है, आपको वाहवाही मिली है, आपकी सरकार की पीठ थपथपाई गई है, लेकिन बावजूद उसके अगर आतंकवादी आंख मुंह फाड़ रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि वो ऐसा करने ना पाए। ABP News, आपको रखे आगे।